हमने पढ़ा लिखा लिए सर्व हमने पक्का देना है तो बनाकर खीर खिलाएंगे। अगर हमारे झारखंडियों का अधिकार मांगने आओगे तो आग नोच कर वहीं पे चीर डालेंगे। तरफ से वार्ता करने के लिए जरा मत हो जाएगा, पॉइंट में एक नंबर कर लेंगे। काले पूरा गांव को बुलाइए, जरा मातो को मत बुलाइए। नाक बंद नहीं करना चाहिए, एक संगठन बना करके इस कीचड़ को साफ करना चाहिए। टाइगर दादा के हाथ में कलम आएगा तब ये बदलाव होगा। लोगों को लॉन्च करें, ज्यादा लोगों को लॉन्च करें। साथियों से आग्रह होगा कि अब धीरे धीरे मंच खाली कर दें। सबसे पहले चूंकि हम शुरू से कह रहे हैं कि जितना हमारा विधायक मंत्री सांसद ओखनी दूर के नहीं सोचो, हालांकि अभी जो सिमरी के वर्तमान विधायक हैं इंद्रजीत बाबू अपने बीमार है, तो हमें एकदम दिल से ओखनी जितना जल्दी ठीक होते अगर हमें कामना करो। हमरा जितना विधायक मंत्री सांसद ओखरानी दूर तक नहीं सोच लो, आज यहाँ तमाम चाहे राजेश बाबू है, सुनील दार है, संजय दार है, ये हमारे बड़का गांव से विकास रखने जमीन के बारे बड़ी जानकारी रखो। यदि आज यदि हमने क्या लड़े वाला आज यदि भाई हमने बीच अगर वकील मिलो तब वो खड़ा रहता है तो आज जमीन हम नहीं करते। कहे पता हो भूमि अधिग्रहण के नियम लगाए कि यदि कंपनी कोई जमीन ले हो और 5 साल के भीतर अगर वहां फैक्ट्री ना लगो हो तो जमीन रैयत के वापस मिलना चाहिए। तो आज हवा पट्टी के मैदान में जितना भी विस्थापित परिवार यहाँ सुने ले आए हैं, माना या भी हमने शक्ति कम है, हमने अभी किधर मानुष लगी है, लेकिन यदि कोनो दिन भूल से जहाँ मोदी पैसे है तहाँ पहुंची गई है, भारत के मुद्दा 1950 के मुद्दा संसद में लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा गया। कोई हार ले से पाप का जमीन नहीं लगा, ना ही जमीन भारत सरकार के लगाए, भारत सरकार 1947 में पैदा करे सर्वोपर से 1000 साल पहले जमीन रहे। तो साई खातिर हमें अगर छोटा सा उदाहरण देव, ग्रीम स्मिथ के साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान हमला जानकारी है ना, वो अपन घर के दीवार में 3 लाइन लिख के रखा है। पहला लाइन कि हम एक दिन बड़ा होके साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम में मैच खेलेंगे, कि हम बड़ा होके साउथ अफ्रीका का क्रिकेट खिलाड़ी बनेंगे। दूसरा लाइन लिखा है कि हम साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का कैप्टन बनेंगे। और तीसरा लाइन लिखा है हम ऑस्ट्रेलिया में घुसकर टेस्ट मैच हराएंगे। वो तीनों पूरा करते हैं तो हड़ी अपना दीवार में लिख या जमीन में लिख जय भी लगे लिख दी कि फल्ला कोना में फल्ला प्लॉट हमारे बाप के लगल आज जन दिन हमें मौजूद है अगर कान खींच लिख दी अपन घर के दीवार में कि मोदी जी के कोना के जमीन हमर बाप के लग रही, सावलापुर के बगल के जमीन हमर बाप के लग रही, रघुनाथपुर बड़ा धा के जमीन जाए है वो हमर बाप के लग रही। दीवार में ले घर भीतर ले माटी तरह ले, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ओकरा बताए के ई बात हमें कहे गए बताओ। अरे आज मोदी के सपोर्ट है, आज हर के मोदी के सपोर्ट है, जिंदगी भर रहते कि अरे सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर हमने पढ़ला जो जीता सो सिकंदर, अरे सिकंदर हार के गया है मोदी और एफसी जाने
सिकंदर हार के गया है, दुनिया से सिकंदर हार के गया है मेरे साथियों। तो माननीय मोदी जी और ये शेर हार लिखो न, आज हम कमजोर हैं, हमारे लोग कमजोर हैं। जिस दिन हम और हमारे लोग मजबूत होंगे उन्हें भी बैकफुट पर आना होगा। ममता बनर्जी के नाम सभी सुन ले है ना, सुनल है ना? 5 किलोमीटर बाद ममता बनर्जी के राज्य, इन नदियां पार कर भा और ममता दीदी के राज्य। आज हमें ममता दीदी के जिक्र कहा कर लियो। ममता दीदी जो मुख्यमंत्री बंगाल के, फिर बंगाल का आयो झारखंड एक बंगला बस के वाला कहीं टेंशन नहीं ले लिया, गलत नहीं सोचिया। जब वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नए बन लला तो दो बार आंदोलन कर लला, नंदीग्राम और सिंगूर, सॉरी नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन कर लला। उस टाइम मुख्यमंत्री हलाय ये आंदोलन के ठीक लगले बिजली की पानी जमीन, ये आंदोलन लगले जमीन के टाटा नैनो हजारों एकड़ जमीन एगो महिला नारी शक्ति के परिचय देते हुए टाटा जैसा खानी आदमी के उठाए के पटे के खनवा मचर के अपन बंगाल से बाहर के उस समय के एक साधारण महिला ममता बनर्जी, एक साधारण महिला टाटा नैनो को उखाड़ के फेंक दल तो साइडिया जल्द हिम्मत करे वाला सांसद, हिम्मत करे वाला विधायक मिलते हमने के FCI रो, कोयला खदान रो, या वेदांता रो, या डालमिया रो, अगर नीचे पटाई के बात करवा। अरे मंत्री विधायक कुछ और, डालमिया के कुछ साथी आए हो, एक दिन पहले डालमिया में हमने वार्ता हाल मीटिंग हाल कंपनी से जैसे तो निहाल में धरना दे है रहते है ना नौकरी खातिर डालमिया में अपने धरना दे लला, कहले आइए मीटिंग करते हैं नौकरी देते हैं। एक नहीं कहले हम लोग के तरफ से वार्ता करने के लिए जरा मत हो जाएगा, पॉइंट में एक नंबर कर ले, पॉइंट में एक नंबर करा दे लिए। अरे की लगे ना एगो वार्ड लगे ना मुखिया लगे, तो सोच के दे जन दिन हम नीनिया हिम्मत वाला साहस वाला नौजवान रांची या दिल्ली में बैठता है तो डालमिया के दाल दे के यार घर भागे। रूपा दिया ये बूढ़ा खाप के रामगढ़ से, रामगढ़ जिला जे हजारीबाग में हले पूछ ले हुआ अखनी आंदोलन कर लो रोम टैप फैक्ट्री से वार्ता भलाई महिला सब वार्ता करे गेलो अखनी कहले जयराम भैया रहेंगे साथ में, कहले पूरा गांव को बुलाइए जयराम महतो को मत बुलाइए। द्रौपदी सामने आले भीड़ में बैठा लो पुतले हाथ खड़ा कर कहे बताओ कि हमनी देखे में खूनकार ना ही है, न हमनी बड़ो बड़ो दांत है, न बड़ो बड़ो नोक है, हमने पढ़ा लिखा लिए सर्व हमने बोका देना है। तो सोच के देखिए नौजवानों, विनोद बाबू कॉमरेड एके राय की विचारधारा की धरती एक पढ़ा लिखा नौजवान आज इन लोग को पैंत में पेशाब करा के रखे हैं। जिस दिन सैकड़ों नौजवान इस तरह तैयार हो जाएंगे कल्पना कीजिए राज की दिशा क्या होगी। जितने दादा लोग हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहर। आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं इस आंदोलन में कब से आई हूँ और कैसे आई हूँ। मेरा प्रेरणा है सामने जो बैठे हैं टाइगर जयराम भैया, टाइगर भैया हमारे वहाँ कोल्हान की धरती में सर्वप्रथम फरवरी महीना में 2022 खबरा प्रोग्राम हुआ था वहीं पे गए थे और वहीं मैं भी आप लोगों के जैसे साइड में कोने में खड़े होकर के भैया का प्रोग्राम सुन रही थी तो मुझे काफी अच्छा लगा। और इससे पहले हम लोगों को जानकारी नहीं था कि
नहीं था, जो कुछ भी होता था यही सोच के बैठते थे कि चलो जो होगा देखा जाएगा, यही सोच के बैठते थे। लेकिन भैया का बात सुन के, टाइगर दादा का बात सुन के लगा कि नहीं, हम लोगों के साथ गलत हो रहा, हम लोग को आगे आना चाहिए, हम लोगों को बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जितना भी कीचड़ है इसके हमें नजरअंदाज करके नाक बंद नहीं करना चाहिए, एक संगठन बना करके इस कीचड़ को साफ करना चाहिए। ये कीचड़ साफ कब होगा? जब एक संगठन बनेगा, संगठन मजबूत होगा। संगठन अर्पण से नहीं समर्पण से होता है, सबको समर्पण होना पड़ेगा इस संगठन में। ये जो जेबीकेएसएस का संगठन है, आज आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? इसलिए ना, क्योंकि टाइगर दादा का बात से सबको लगा, कुछ उम्मीद नजर आया, आगे हमारा भविष्य एक चमकता हुआ सितारा की तरह नजर आ रहा है, इसलिए सब आए ना अपना खर्चा करके। ऐसे ही तो नहीं आए, कोई नेता मंत्री के कहने से तो नहीं जाते हैं बिना पैसा का, आप लोग गाड़ी देता तब जाते हैं, लेकिन आज अगर यहाँ पर आए हैं तो कुछ उम्मीद है। तो ये कब होगा? जब टाइगर दादा के हाथ में कलम आएगा तब ये बदलाव होगा। टाइगर दादा के हाथ में कलम आने के बाद जो 81 विधानसभा है ना, 81 का 81 विधायक हमारा जेबीकेएसएस का होना चाहिए। हमारा जेबीकेएसएस में इतना हमारे पास पैसा धनराशि का कमी है, धनराशि का कमी में आप सबसे विनती है, अभी जिस तरह आप लोग सहयोग कर रहे हैं, हर पंचायत में संगठन बनाइए और संगठन बना के एक विधानसभा खड़ा करके हर एक पंचायत से अपने विधायक जो आप लोग चुने रहेंगे विधानसभा का, उसका जो बैनर बनेगा, साउंड सिस्टम, ये तो जरूरी है, हम लोग उसके अलावा नहीं कर सकते। तो आप लोग खुद पैसे इकट्ठा कीजिए और अपना विधायक चुनिए और टाइगर दादा के हाथ में कलम पकड़ाइए, तभी ये जो कीचड़ भरा पड़ा है ना हमारे झारखंड में, ये साफ होगा, वरना साफ नहीं होने वाला है। दूध मांगोगे तो बनाकर खीर खिलाएंगे, अगर हमारे झारखंडियों का अधिकार मांगने आओगे तो आंख नोच कर वहीं पे चीर डालेंगे। हमारा झारखंडियों का सिर्फ झारखंडियों का झारखंड है, बाहरियों का झारखंड नहीं है। क्या आप लोग देंगे अपना झारखंड? नहीं देंगे ना? तो फिर ये कब होगा? जब हमारा 24 में तब हमारे टाइगर दादा को कलम मिलेगा, जब ये संगठन मजबूत होगा। संगठन मजबूत नहीं होगा तो टाइगर दादा के हाथ में कलम कैसे जाएगा, बताइए। हमारा संगठन मजबूत कीजिए। जो डीजे बजा